हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। सिसाना गांव में परमवीर चक्र अलंकृत कर्नल होशियार सिंह प्राथमिक विद्यालय परिसर में द्रोणाचार्य अवार्डी एवं सेवानिवृत्त SP अनुप सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके संविधान सभा के सभी सदस्यों को साधुवाद दिया। युवाओं को संबोधित करते हुए द्रोणाचार्य अवार्डी अनुप सिंह ने कहा कि माता पिता और गुरुजन के आदेश का पालन करते हुए अनुशासन में रहकर लगन और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य साधा जा सकता है। गांव सिसाना की अनमोल विरासत शिक्षा, खेल, वीरता, संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आगे रही है। गांव के परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह, शहीद ताराचंद पहलवान, पंडित मांगीराम, मौजीराम, कृष्ण चंद्र, सूर्य कवि, बाजे भगत, उस्ताद झमन खां आदि ने अपने अपने क्षेत्र में लोहा मनवाया है। वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, नेटबॉल, बॉक्सिंग इत्यादि खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिसाना ने विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने युवाओं व विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवासियों ने गाँव को ख्याति दिलवाने का कार्य किया है, शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला। खरगोदा, शहीद किसानों के सम्मान में शहर के मटिंडो मार्ग से दहिया जागृति स्थल तक किसानों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। किसान अमर रहे की नारे लगाई गई। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्लॉक प्रधान बेदी दहिया की अध्यक्षता में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान देशपाल दहिया, प्रवीण दहिया, बुद्ध सिंह कुहाड़, प्रवेश देवेंद्र आदि कैंडल मार्च में शामिल रहे। गणतंत्र दिवस पर AP गर्ल पब्लिक स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल डायरेक्टर मोहनलाल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और विद्यालय के चारों सदनों के विद्यार्थियों की परेड की सलामी ली। तत्पश्चात विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा परी ने गणतंत्र दिवस के महत्व का वर्णन किया। 11वीं कक्षा की छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात स्कूल डायरेक्टर ने बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य की भावना का बोध कराया और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। थानाखुर्द स्थित द स्टैनफोर्ड विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराकर समारोह आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने विविध प्रकार की गतिविधियां प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने एकल एवं सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। विद्यालय के चेयरमैन उत्सव दहिया और प्रधानाचार्य संजीत नैन ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का अनुशासन व पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों को सदैव याद करना चाहिए। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर सदैव देश हित में कार्य करने का मार्ग अपनाना चाहिए। गाँव झरोट में जनहित अभियान फाउंडेशन द्वारा
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्टेट अवार्डी हिंदी प्रवक्ता दिलबाग सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि रक्तदाताओं को इसका लाभ ही मिलता है। रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाने में वे सहायक बनते हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 41 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। इस अवसर पर समाज सेवी संदीप पाराशर, राज सिंह नंबरदार, नरेश कटारिया, राहुल सिंह, सुनील छरोट, दिनेश छिक्कारा, जय इंदौरा उपस्थित रहे। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा वे IMT में अलग अलग साइज की इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93555-50009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा, देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहां छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।